हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे सेटू चैनल ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कन्फ्यूजन पॉइंट्स के पार्ट फोर के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा ये जो सीरीज चल रहा है वो किस चीज़ के रिलेटेड है, क्योंकि जीएस और जीके में जो आपके जितने भी कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको गड़बड़ हो जाता है कि ये होगा या फिर ये होगा, तो उसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें आपको जितने भी डाउट्स होते हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैंने इसके ऑलरेडी 3 पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं, और जिसमें मैंने 8 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कन्फ्यूजन पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और आप गलती करके आते हैं, वो मैंने कवर कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के एंड में भी आपको प्रीवियस जो पार्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो पहला अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जो कि हमारा क्वेश्चन 9 है, 9 कन्फ्यूजन पॉइंट है, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि एनोड पर चार्ज क्या होता है और कैथोड पर चार्ज क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और बहुत ही कन्फ्यूजन वाला भी क्वेश्चन ये हो जाता है। तो देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा एक बेहद ही इजी मेथड की वजह से। देखिए एनोड पर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और कैथोड पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है। और कैथोड आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि ये इस पर निगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन भी आपका निगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हम लोग को इसको याद कैसे रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है हाउ टू रिमेंबर। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए एनोड कहने का मतलब ये हुआ कि ए फोर एनोड होता है और ए फोर ऐड भी होता है। ठीक है, ऐड मतलब एडिशन जो होता है, अब ऐड करते हैं, जोड़ करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए का जो एनोड का मतलब ए जो हो रहा है, इसका स्टार्टिंग लेटर जो ए है उससे आप कोरिलेट कीजिए कि वो ऐड है। ठीक है, ए फोर ऐड यानी कि एनोड पर जो होगा वो प्लस चार्ज होगा। तो इस तरह से अगर आप इसको याद रख लेते हैं ना, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अब आप एक याद कर लिए, अगर आपको एनोड पर याद है कि ये प्लस चार्ज होता है, तो आप डेफिनेटली आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि कैथोड पे माइनस ही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आपको इसको कैसे याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स की तरफ और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने बनाया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए सवालों का अध्ययन हम लोग याद रखते हैं कि फाइकोलॉजी होता है और माइकोलॉजी होता है। हो सकता है कि आपको रट्टा मारकर ये याद हो, या फिर आपको बहुत ही अच्छे से याद हो, किसी भी तरह से अगर आपको याद हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ज़रूर सोचना पड़ता होगा कि यार ये होगा कि ये होगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको ये कन्फ्यूज़न अभी तक बना होगा। तो मैं यहाँ पर कुछ ट्रिक बताता हूँ जिससे आप हमेशा के लिए इसको याद रखेंगे और कभी गलती नहीं होगी। देखिए कुछ लोग जो होते हैं वो सफाई करके कमाई करते हैं। जैसे कि आप स्टेशन पे वगैरह या फिर कहीं भी चले जाएंगे बाहर में, तो देखते हैं कि रोड पे सफाई लोग करते हैं और उनको उनके इनकम मिलता है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो पहले सफाई करते हैं, उसके बाद उनकी कमाई होती है। तो देखिए सफाई का मतलब ये हुआ कि स का मतलब यहाँ पर सजाया है स से सवाल और फाई से फाइकोलॉजी, यानी कि सफाई का मतलब हो जाता है कि सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है, और कमाई का मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि क से कवक हो जाता है और आपका माई से माइकोलॉजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से इसको अगर याद रख लेते हैं ना, तो आप कभी गलती नहीं करेंगे और आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक छोटा सा ये चीज़ याद रखिए कि कुछ लोग जो होते हैं वो पहले सफाई करते हैं, उसके बाद उनको कमाई होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह की जो कन्फ्यूजन पॉइंट्स में कभी फंसते थे वो ना फंसे। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं इस प्रकार के अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।